हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फिलोसफी स्टडी। मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानोगे कि भारतीय दर्शन में प्रमाण की संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या और कौन कौन से प्रमाण हैं। तो मैं उससे पहले बता दूं दोस्तों कि इसे पढ़ना है बीए सेमेस्टर 6 DSE 3, मतलब प्रॉब्लम ऑफ फिलोसोफी, मतलब दर्शन शास्त्र की समस्याएँ। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, तो यूनिट 3 है, तो उसमें पढ़ना है भारतीय दर्शन में प्रमाण की संख्या। तो प्रमाण की जो संख्या है तो 6 माना गया है, और अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से प्रमाणों को स्वीकार किए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अनुपलब्धि और अर्थापत्ति जो है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष को चार्वाक ने सिर्फ माना है, चार्वाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष को माना है। न्याय ने 4 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द न्याय ने माना है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि कौन कौन से दार्शनिकों ने कितने परमाणु को स्वीकार किया है, परमाणु को माना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे प्रमाण क्या है, क्योंकि प्रमाण के ऊपर ही पूरा इसमें समझ सकते हो कि खेला है, ठीक है। तो प्रमाण के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में प्रमाण है क्या। तो प्रमाण से सिंपली इतना मतलब है कि सही ज्ञान के प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, ट्रूथ नॉलेज, ट्रू नॉलेज, ट्रू ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान के प्राप्ति के साधन को ही क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है, वैलिड नॉलेज। तो ये वैलिड नॉलेज कहाँ से प्राप्त होंगे, किसके द्वारा होंगे प्राप्त, तो ये सभी जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रत्यक्ष ज्ञान के जो प्रमाण के जो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और यहाँ पे अनुपलब्धि या इसे अभाव भी कहा जाता है। तो बारी बारी से सभी को देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियोज में आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष परसेप्शन नॉलेज या परसेप्शन प्रमाण आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष का मतलब इतना है कि साक्षात ज्ञान, जो जिसका साक्षात हो, जो ज्ञान आँखों के द्वारा देखा गया ज्ञान हो, हमें 5 इंद्रियों के द्वारा, सेंसेशन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होती हैं वो क्या, कौन सा ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परसेप्शन है। जैसे मानव इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, मुंह, इन सभी जो इंद्रियां हैं, इन सभी के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये आदमी जो है वो इसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, अपने आँखों के द्वारा देख रहा है, इसके जो शरीर है तो साक्षात हो रहा है, एक दूसरे के थ्रू प्रत्यक्ष ये जो है देख रहा है। तो इसका ज्ञान है मतलब कि ये क्या है, लड़की है, तो लड़की है, तो ये जो लड़की है उसका ज्ञान किससे हो रहा है, आँख से, आँखों के द्वारा ये देख रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष जो है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि अमित का एग्जाम्पल लेते हैं, कि अमित जो है, अमित गया मार्केट, ठीक है, मार्केट गया, तो उसने मार्केट में काफ़ी सारी भीड़ देखे, तो भीड़ देखा तो उसने घर आया और उसकी माँ उसी टाइम जा रही थी मार्केट, तो उसने क्या बोला कि आप मार्केट मत जाओ, इसलिए क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी भीड़ लगा हुआ है, क्राउड है बहुत सारे। तो उनकी जो माँ है वो विश्वास कर ली हैं और वो नहीं गए मार्केट। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कानों के द्वारा सुना हुआ भी ज्ञान जो है वो सत्य है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, वो अपने आँखों से देखा हुआ ज्ञान बता रहा है, तो क्या है, वो प्रत्यक्ष है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या फिर और एक और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसे, कि आपने बैंक गए, आप बैंक गए और बैंक में देखे काफ़ी सारे भीड़, और वही बात आप दूसरे को बताते हैं, वो बैंक जा रहा होता है तो उससे आप बताते हैं कि बैंक अभी मत जाओ, आप बहुत सारे भीड़ है तो 1 घंटा के बाद जाना आप, तो
उस टाइम भीड़ कम हो जाएगी, तो वो आपके बात को बिना जज किए मान लेता है। तो क्या है, वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसे पता है कि आप वहाँ से आ रहे हैं, आपने खुद उसे देखा है, तो प्रत्यक्ष ही आप उसे बता रहे हो, साथ साथ ज्ञान जो है उसे आप बता रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर आता है अनुमान। अनुमान क्या है? तो अनुमान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अनुमान को समझने से पहले मैं बता दूं कि अनुमान जो है, अनुमान को जानने से पहले आपको पहले से कोई ज्ञान होना आपके अंदर आवश्यक है। मतलब एक्सपीरियंस, किसी ज्ञान के साथ साक्षात होना, यदि आप दूसरे ज्ञान को जानना चाहते हैं अनुमान के थ्रू, इन्फेरेंस के थ्रू, तो आपको उस ज्ञान के बारे में पहले से पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप दूसरे ज्ञान को, वैसे ही दूसरे ज्ञान को आप जज कर पाओगे, मतलब पता कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अपने घर के बगल में देखा कि धुआं है और आग है, तो आग लगा हुआ है, तो आग के साथ में धुआं है, तो आपने यहाँ पे जज किया कि आग, जहाँ जहाँ आग होती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, तो जहाँ आग, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो इसी बेसिस पे आपने क्या किया कि किसी के घर में धुएं को देखकर यह अनुमान आप लगा लिए कि वहाँ आग लगी होगी, क्योंकि आपने कहीं पे देखा था कि आग होती है जहाँ वहाँ धुआं भी होता है, मतलब धुआं होता है जहाँ वहाँ आग होता है। तो ये चीज़ें जो थी आपके माइंड में पहले से इस ज्ञान का प्रत्यक्ष था, उसके बाद फिर आपने इसे अनुमान लगाया उसी आधार पे कि वहाँ पे मैंने वैसा देखा था, तो उसके आधार पर यहाँ पे भी होगा। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर काले बादल को देखकर आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि, या ये अनुमान लगा लेना कि बारिश होगी या बारिश हो सकती है। तो ये चीज़ें आप कैसे कह पा रहे हैं? इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपने काले बादल का अनुमान आपके पास, मतलब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान उसका है आपके पास, उसी बेसिस पे आप आज बोल रहे हो कि काले बादल हैं तो बारिश भी होगी, मतलब हो सकती है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगी, हो सकती है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि बादल जब काला था और बादल किए हुए था तो बारिश हुई थी उस दिन, तो उसी बेसिस पे आज आप बोल रहे हो कि बादल आज भी काला दिख रहा है तो बारिश होगी। तो ये है अनुमान। उसके बाद फिर आते हैं शब्द में, और यदि आपको अनुमान शब्द किसी में भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो थर्ड आता है शब्द, यानी वर्बल अथॉरिटी। तो किसी के द्वारा कही गई बातों को बिना जज किए या बिना जज किए उसके ऊपर विश्वास कर लेना, ट्रस्ट कर लेना, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। मतलब किसी बड़े के द्वारा बोला गया जो शब्द है उसे मान लेना, बात जो है वो मान लेना, क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, और बिना जज किए। जैसा कि आप, एक ग्रीक समय था, तो ग्रीक समय का एक राजा था, पुराणिक राजा था, वो काफ़ी फेमस राजा था, प्रसिद्ध था, और उसके बाद प्रतिभा का बहुत ज़्यादा चर्चा था, ठीक है, प्रतिभा का बहुत ज़्यादा चर्चा था, वो जो थे वो महान, एक तरह से राजा बोल सकते हैं आप उसे, तो थे। तो उन्होंने बोला कि आज रात 10 बजे किसी को बाहर नहीं निकलना है, प्रजावासियों को बोला कि आज रात 10 बजे किसी को बाहर नहीं निकलना है, और सेम ऐसे ही हुआ, किसी ने बाहर नहीं निकला। तो इससे आप क्या स्पष्ट लगा सकते हो कि किसी ने बाहर नहीं निकला? तो एक राजा के कहने पर किसी ने बाहर नहीं निकला, और बिना जज किए उन लोगों ने उसे सही मान लिया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि राजा जो कह रहे हैं, राजा जब बता रहे हैं तो सही ही होगा। तो इस तरीके से बिना जज किए उन्होंने इसे मान लिया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट में उपमान। उपमान से सिर्फ इतना सिंपल सा मतलब है उपमान से कि कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ तुलना करना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना ही क्या कहलाएगा? कंपैरिजन क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि, तो इसे सिंपल से भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि, जैसे कि मान सकते हैं कि आपके फ्रेंड है कोई, और आपने उसे बोला कि अरे भाई, ये जो बगल का जो लड़का है, आप उसे देखते हुए बोले कि ये जस्ट तुम्हारे जैसा ही दिखता है,
तो दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यही जो है वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। जैसा कि आपने घर में आपका बिल्ली है, बिल्ली को आप देखे ही होंगे, कैट को, तो आप सडनली किसी तरह से आप जंगल जाते हो, ठीक है, और आपको चीता, यानी कि आप चीता के बारे में जानते नहीं हो, ठीक है, और आपको नज़र आता है बिल्ली के जैसा ही चेहरा एक नज़र आता है, और वह बहुत बड़ा नज़र आता है, बिल्ली से काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या अंदाज लगा सकते हो कि ये जो है वो बड़े बिल्ली के जैसा ही लग रहा है, पर ये बिल्ली नहीं है, ये चीता है वास्तव में। तो ये एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करना क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा उपमान। तो बिल्ली और इसके बीच में आप तुलना किए तो वो क्या कहलाया, उपमान। ये बिल्ली है, आपने देखा तो आपको लगा कि हाँ ये बिल्ली है, जो जंगल में चीता है इसे आप शेर भी कह सकते हैं, तो यह बिल्ली है, बिल्ली है, आपने बोला यह बड़े बड़े बिल्ली की जैसा दिख रही है, ठीक है, बड़ा बिल्ली है, तो क्या कहलाएगा, ये बिल्ली है, पर बिल्ली है नहीं, ये चीता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, उपमान, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करना उपमान कहलाएगा। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चलते हैं अर्थापति। अर्थापति का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये हुआ, तो यही क्या कहलाएगा, अर्थापति। जैसे मान लिया जाए कि आपके फ्रेंड जो है वो बहुत मोटे हैं, ठीक है, और वह जो है वो दिन में खाना नहीं खाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो ये जो अर्थ है, तो ये जो अर्थ है इसका मतलब क्या हुआ, वही क्या कहलाएगा, अर्थापति कहलाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थापति का मतलब इसका मतलब क्या है, यही है। वह दिन, मान के चलिए कि वह दिन में नहीं खाना खाता, तो रात में खाता होगा, दिन में नहीं खाता खाना तो रात में खाता होगा, और यदि वह दिन में खाना नहीं खाता और रात में भी नहीं खाता तो वह बीमार होगा। तो ये जो आप अंदाज लगा रहे हो कि नहीं खाता तो ऐसा होगा, उस तरीके से होगा, तो क्या कहलाएगा, ये अर्थापति कहलाएगा। लेकिन इसमें अनुमान की बात नहीं है, इसमें आप उसके बारे में बोलते हो कि यदि वो इस तरीके से ये चीज़ नहीं कर रहा होगा तो ये चीज़ें वो कर रहा होगा, तो इस तरीके से आप बोलते हो। पर अनुमान में ऐसा है कि किसी वस्तु का आप पहले प्रत्यक्ष करते हो, उसके बाद में ही उसी के बेसिस पे जो आप ज्ञान फाइंड आउट करते हो तो वो आपका अनुमान कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्थापति है, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को आपने उदास देखा, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, किसी तरीके से मान के चलिए किसी का उनके घर में देहांत हो गया हो, तो इसी कारण से वो उदास आपको नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि और भी आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आपने तीन दिनों से लगातार आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो अस्पताल में ही है, तो इससे आप क्या, इसके बारे में फिर आप क्या सोचोगे कि तीन व्यक्ति को आप लगातार देख रहे हो अस्पताल में, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप इसका मतलब बता सकते हो। यदि आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं बाद में भी चेक करूंगा कि तीन दिनों से आप अस्पताल में एक व्यक्ति को देख रहे हो तो क्या इसका मतलब है। तो मैं बता दूं, इसका मतलब है कि वे, आप लगा सकते हो अंदाज कि वे बीमार है, बीमार होगा तभी तो अस्पताल में है, तो इसमें कोई अनुमान की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह बीमार है तो अस्पताल में है, क्योंकि उसे देखने से हमको पता चल रहा है वो बीमार है तो अस्पताल में होगा। आपने किसी को छत के ऊपर से, अब मान लिया जाए एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, कि किसी को देखा कि छत के ऊपर से नीचे कूद रहा है, तो उस समय आपके माइंड में क्या आएगा, क्या विचार आएगा, क्या आप सोचोगे इसका मतलब क्या है, कि आपने किसी व्यक्ति को छत से कूदते हुए देखा तो इसका मतलब क्या है। तो आप सोच सकते हो, जो माइंड में आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या है, तो उसी को क्या होगा, कह सकते हैं आप अर्थापति। तो हो सकता है कि वह आत्महत्या करने के लिए चौक रहा होगा, ऊपर से कूदने जा रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद फिर एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दो नाव है, ठीक है, आपने नदी के किनारे देखा दो नाव, तो एक आगे जा रहा था एक पीछे से, तो कुछ आपस में डिस्टेंस थी,
उसके बाद फिर कुछ समय बाद आप देखते हैं उस आपके नज़र वहाँ से कुछ समय के लिए हट जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि ये जो नाव है, आगे वाला जो नाव चल रहा है फर्स्ट वाला, वहाँ पे आपको नज़र नहीं आया और ये जो नाव है वो किनारे में पहुँच चुका था। तो ये जो नाव नज़र नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ गया? तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि शायद ये जो है वो पहुँच चुका होगा वहाँ पे, पहले ही पहुँच चुका होगा, पहले ही पहुँच गया होगा, या वहाँ नहीं पहुँचा तो बीच में किसी तरह से नाव डूबने से एक्सीडेंट हो गया होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं। अब उसके बाद फिर तो यहाँ समझ सकते हैं, तो किसी भी बातों में जब हम पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होगा किसी को देखने के बाद, तो उसी को क्या कहा जाता है, अर्थापत्ति कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है मेन नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, वो सिक्स नंबर है, अनुपलब्धि या अभाव इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुँचा और वहाँ पे आप देखा कि वहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप ताला लगे हुए देखा, मतलब बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद है अस्पताल जो है वो बंद है। तो आप सुबह सुबह गए वहाँ पे 7 बजे की अस्पताल बंद देखा आपने, तो क्या आपको नज़र आया कि कुछ यहाँ पे तो कुछ नहीं आपको नज़र आ रहा है, मतलब बंद है कुछ यहाँ तो कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं है। कुछ ना होना भी एक तरह से ज्ञान है, इसी को क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं। तो यहाँ पे अनुपलब्धि है, कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सोचा कि मैं पहले आ गया हूँ तो मुझे कुछ समय वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर नर्स जो भी हैं वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर और दूसरी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो स्कूल में शिक्षक नहीं है, किसी ने आपको बोला स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो आपने तुरंत क्या सोचा, स्कूल में जब शिक्षक नहीं है तो मैं जाके स्कूल में क्या करूँगा। तो नहीं है, कुछ नहीं होना भी एक तरह से ज्ञान को स्पष्ट करता है, दर्शाता है। तो कुछ नहीं होना, ज्ञान जो है कुछ नहीं होना, इसी को क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं या अभाव कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कूल में शिक्षक नहीं तो एक अभाव है, तो स्कूल में क्यों जाऊँगा, स्कूल में शिक्षक नहीं, तो इससे आपको एक ज्ञान मिल गया। स्कूल में शिक्षक नहीं तो इसका मतलब आपने तुरंत क्या ज्ञान लगा लिया, क्या स्पष्ट हुआ इससे कि स्कूल में शिक्षक नहीं तो मैं जाके क्या करूँगा। तो एक ज्ञान यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल, फूल में खुशबू नहीं है तो इसका क्या है, मतलब फूल में खुशबू नहीं है तो यह जो है क्या है, अनुपलब्धि है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसे खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, फूल में खुशबू नहीं है तो मैं खरीद के इसे क्या करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का ना होना क्या है, किसी चीज़ का ना होना अनुपलब्धि है। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी इसे जाना कि प्रमाण क्या है और प्रमाण को कितने साधनों के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो 6 हैं। और तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। फिर भी किसी तरह से आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी वीडियो को करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।